नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की पूजा की विधि बताने वाली हूँ। प्लीज मेरा वीडियो लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये करवा चौथ का पूजन है। इस पूजन के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए। चौथ माता की प्रतिमा, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। शंकर पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। पूजा स्थान पर गणेश जी की फोटो को रख लें। इनकी पूजा होती है। कोई भी व्रत हो, पूजा में कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। कलश बनाने के लिए लोटे में जल लें, उसके ऊपर आम के पत्ते 5 रख लें, उसके ऊपर दिया रख लें। यहाँ बड़ा दिया नहीं है, इसलिए प्लेट के ऊपर घी का दिया रखा है। गौरी गणेश बनाने के लिए आप गोबर से गौरी गणेश बनाएं। यदि आपके पास गोबर नहीं है तो पान या आम के पत्ते में आप सुपारी रखकर पूजा करें। करवा चौथ व्रत कथा का आपको पुस्तक चाहिए। यहाँ 2 करवे चाहिए। एक करवा स्पेशली करवा चौथ के लिए लेकर रखा है मैंने। एक करवा मिट्टी का लें, यदि आपके यहाँ जैसा प्रचलन हो। यदि एक लगता है तो एक ही करवा लें आप। ये चावल लिया है पूजा के लिए, एक नारियल। अष्ट दल कमल चौक बनाने के लिए आटा या चावल लें। ये पंचामृत लें, कोई भी मिठाई ले सकते हैं आप। मेवा या ड्राई फ्रूट्स लें, केला लें। लकड़ी के पट्टे में लाल या पीले कलर के कपड़े का आसन रखें। भगवान को चढ़ाने के लिए फूल, फूल और फूलमाला। सुहाग के लिए चूड़ी, बिंदी, रक्षा सूत्र, मेहंदी, कुमकुम। कुमकुम की विशेष जरूरत होती है। आलता और ये दूर्वा गणेश भगवान को बहुत पसंद है। ये सेवफल लें। दीपक तैयार कर लें आरती के लिए। एक आटे का दिया लिया है। जनेऊ, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, धूप बत्ती, हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल। पूजा के स्थान पर चलनी रखें, इसकी भी पूजा करेंगे। यह है जल। हवन सामग्री में चीनी, शहद और घी डालकर हवन करें। पूजा में रखने के लिए साड़ी और पायल, आप इसमें पूरा सिंगार का सामान रख सकते हैं। इस सामान को आप सास या जेठानी को दें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, चीनी, शहद, घी और तुलसी पत्ता लें। इस आसन के ऊपर चावल या आटे से आप अष्टकमल बनाएं। ऐसा आप अष्टकमल बनाएं। कलश में जल भर लें, इसमें फूल, थोड़े से चावल के दाने डालें और ऊपर से आम के पत्ते लगा लें इस तरह। इसके ऊपर आपके पास यदि बड़ा दिया है तो वो रख सकते हैं, नहीं है तो प्लेट के ऊपर ये घी का दिया जला लें। कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर दें। करवे में जल लें, जल में फूल, चावल के दाने डालें। इस जल से चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। इसके ऊपर ये दिया रख लें। दिया में ड्राई फ्रूट्स लें। ये करवे में चावल भर लिया है। इस करवा के ऊपर इस तरीके से दिया रख लें और ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर रख दें। इस करवे में मीठा रख लें। कलश और ये दोनों करवा में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। दोनों करवा के नीचे चावल रखें और उसके ऊपर करवा रख दें। पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश बनाकर रखें। यदि गोबर नहीं मिलता है तो 3 सुपारी रखें। मुझे पान का पत्ता नहीं मिल पाया है तो आम के पत्ते में ही गौरी गणेश रखा है। कलश में स्वास्तिक बना लें। करवा में भी स्वास्तिक बना लें। पूजन की शुरुआत करें। सबसे पहले दुबी से अपने ऊपर जल छिड़ककर 3 बार ओम विष्णु विष्णु बोलना चाहिए आत्मा शुद्धि के लिए। अपने हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गणपति का पूजन प्रथम होता है। दुबी से जल लेकर सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान कराएं और मंत्र का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, नमः नमः कहकर उच्चारण करें। इसी तरह दुबी से कलश को स्नान कराएं, दोनों करवा को और सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं।
पहले गौरी गणेश को चंदन कुमकुम और चावल का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि पहले इनकी पूजा की जाती है। गणेश भगवान को हल्दी और तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते हैं। फिर कलश को चंदन तिलक लगाएं, करवा को लगाएं, इसी तरह सभी देवी देवताओं को चंदन तिलक लगाएं। सभी देवी देवताओं को तिलक लगा दें। करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक है, इसमें करवा माता की प्रतिमा बनी हुई है, उसमें सभी देवी देवताओं को तिलक लगा दें, तिलक चंदन कुमकुम। जनेऊ में जल छिड़ककर कुमकुम लगाएं और गणेश भगवान को चढ़ाएं। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सफेद धागा या रक्षा सूत्र चढ़ा सकते हैं। सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा दें। सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, ऋतु के अनुसार जो फल आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को धूप चढ़ाएं, नारियल में जल छिड़कें। टीका चंदन लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और भगवान को अर्पित करें। भगवान को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, जो भी आप इच्छा अनुसार चढ़ाना चाहते हैं। अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाएं। भगवान से क्षमा याचना करते हुए प्रणाम करें और कहें कि हे भगवान, पूजन में जो भी कमी हो या गलती हो, भूल चूक मुझे माफ करना और मेरी पूजन स्वीकार करें। भगवान को फल, फूल, नारियल, पूरा भोग लगाने के बाद आरती से पहले आचमन करते हैं। इस तरीके से हाथ में जल लें और ऐसे भगवान के सामने आचमन करें। अब आप करवा चौथ व्रत कथा सुन सकते हैं। यदि कोई आपको सुना दे पढ़कर तो अच्छी बात है, आप शांति से सुनिए, और यदि कोई नहीं है आपके साथ तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इसमें चार कहानी है, आप पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं सुना रही हूँ ये कहानी क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कथा खत्म होने के बाद हवन करें, उसके बाद आरती करें। इसमें करवा माता की आरती करें। इस पुस्तक में करवा माता की आरती, गणेश जी की आरती, शिव जी की आरती है, बाल कृष्ण की आरती और जगदीश हरे की आरती है। आप करवा माता की आरती करें, हवन के लिए अग्नि तैयार करें, इसके बाद इसका पूजन करें, तूबी से जल छिड़कें, चंदन कुमकुम लगाकर इसका पूजन करें, चंदन तिलक लगा दें, चावल और फूल चढ़ाएं। हवन करें, हवन के लिए मंत्र का उच्चारण करें, ओम गजानंदाय नमः स्वाहा, गौरी गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गिरजा पुत्र गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम रामा रामचंद्राय नमः स्वाहा। बचा हुआ हवन गुरु मंत्र द्वारा अग्नि में डाल दें। अब आरती करनी है, आरती जला लें और उसका पूजन करें, जल छिड़क लें, दूबी से टीका चंदन लगा दें
और चावल फूल से पूजन कर लें। ओम जय करवा माता, मैया जय करवा माता, जो कोई तुमको ध्यावत पारे उतर जाता। ओम जय करवा माता, हम सब की माता हो तुम, हो रुद्राणी, तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। ओम जय करवा माता, कार्तिक वदि चतुर्थी को जो नारी व्रत करे, पति हो वे दीर्घायु दुख जा दूर परे। ओम जय करवा माता, रहे सुहागन हमेशा ऐसी हर नारी, गणपति बने कृपालु विघ्न टरे भारी। ओम जय करवा माता, करवा माता की आरती जो नारी नित गावे, कहते भक्त आशा रानी मन वांछित फल पावे। ओम जय करवा माता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयाविरंत भवम भवानी शरितम नमामि। मंदाल माला कुलतालिकाय कृपाल माला तिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरती करने के बाद दुभी से जल लेकर आरती के चारों ओर इस तरह जल घुमाएं और फिर भगवान को आरती इस तरह अर्पित करें, इस तरह भगवान को अर्पित कर दें आरती को, और फिर सभी बड़ों को आरती दें और उन सभी का चरण छूकर आशीर्वाद लें। आप सभी देवी देवताओं के ऊपर चावल छिड़कें और फिर सभी को नमस्कार करें। पूजा संपूर्ण होने के बाद गौरी गणेश में टीका लगाएं या कुमकुम लगाएं, कलश करवा सभी को छुएं, उसके बाद अपने माथे में उसी कुमकुम को लगाएं, सिंदूर को, और मांग भर लें। इस प्रोसेस को 3 बार करें। ये करवा अपनी सास या सुहागिन स्त्री जैसे जेठानी या ननद को दें, नहीं तो फिर आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। करवा चौथ का चंद्रमा थोड़ा लेट निकलता है, इसलिए आप पूजा की शुरुआत पहले से ही कर दें, क्योंकि इस पूजा में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इस करवे में जो जल है, इस जल से चंद्रमा को अर्घ देना है। इसमें ये जो हाथ में ये लकड़ी जैसा लग रहा है आपको, इसको कांस कहते हैं। ये कांस का प्रचलन कुछ क्षेत्रों में होता है, कुछ जगह इसका यूज नहीं किया जाता। ये इस तरह का होता है, इससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इस करवे में जो टोटी बनी रहती है उसी में इसको फंसाकर चंद्रमा को जल देते हैं या अर्घ देते हैं कह सकते हैं आप। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस चलनी का पूजन करें। वैसे तो इसका पूजन पूजा करते टाइम कर लिया है। इसमें जल चढ़ाएं, चंदन टीका लगाने के बाद इसमें इस तरीके का आटा से बना हुआ दीपक रखें, इससे चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में अपने पति का दर्शन करें। इसी चलनी से चंद्रमा की पूजन करने के बाद पति को चलनी से देखें, उसके बाद पति के चरण छुएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। पति के हाथों से जल पिएं और उसके बाद आप फल अन्न खाकर व्रत तोड़ सकते हैं। ये करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।